अच्छा वो बताओ ना भाई जो आप ऑफ कैमरा बता रहे थे जब पहली पहली बार ब्रांड आया कितने का खाना खाए गए अरे वो तो बड़ा सही हो गया था हम लोग ना हमेशा ना इस इसका सुकर... है भाई वो हाँ। साला कभी हम खाया नहीं जिंदगी में इन्होंने बीस रुपए के समोसे खाते थे और उतने के ही हम खाते थे गोलगप्पे तो गोल समोसे तो दो दो में हो जाता था पर गोलगप्पे से मन नहीं भरा कभी हमेशा लगता था गोलगप्पे एक दिन साला भाई मैं बताऊँ आपको ये इसको ना खाने का है शौक आगा। आगा। बहुत फूडी था अभी तो छोड़ रखा है फूडी इंग्लिश में बोल के दिखा रहा है, कहते है भाई मंतर। मंतर। फूडी अभी ताजा ताजा सीखा अभी जान पूछ के इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं ना ये हमारे वाले दोस्त तो फूडी वूटी ये वो तो क्या कह कहते बहुत खाता था भाई ये इसको बहुत ही शौक है हर सेकंड में भूख लग रही है भूख लग रही है और लौंडो की पाचन क्रिया भी इतनी खराब होती है ना भाई ये खाएंगे जाएंगे खाएंगे जाएंगे इनका भाई और इनको खाना भी है और बोलो भी मत कि भाई मत खा गलत हो रहा है पेट खराब हो रहा है नहीं नहीं तुझे लग ही रहा है <laughs> तो ऐसा कुछ है नहीं वो लड़की वाला मैटर तुझे लग ही रहा है काट रही है <laughs> तो क्या कहते हैं तो भाई वही है कि खाते थे और उस टाइम इतना धानी हमें लेने घर वालों से पैसे लेने ना मन ही नहीं करता था शर्म आने लगी थी उस टाइम कि यार क्यों ले हो गया थक गए तो अभी भैया लोग समझ गए थे मेरे मैं पेट्रोल डलवाने हम दोनों जाते थे मैं फ़ोन करता था मैंने कहा क्या कर रहे हो बता बता क्या है कितने भेज मेरा बार कोड भेजा है और नीचे लिख देता सौ उन्होंने उन लोगों ने हमें पाल लिया खूब एक टाइम पर तो वो समझ गए थे बार कोड भेज दो सौ का खुद ही कर दो खुद ही कर देते थे ऐसा तो हो गया था सारा का सारा तो फिर फिर क्या हुआ बस वही है भाई फिर क्या कहते हैं जब थोड़ा पहले तो घर वालों को यकीन नहीं होता इस चीज से पैसा आता है मुझे तो लगता नहीं किसी के घर वालों को यकीन नहीं होता पहली बार हमारे क्या बीस दस या तीस या बीस कुछ ऐसे आए थे हमारे पैसे तो क्या कहते दस या तीस पता नहीं याद नहीं है तो जब वो आए ना मैंने कहा मम्मी आ गए ऐसे बैठे थे हम हॉल में तो मम्मी ऐसे चेयर पे बैठी थी भैया बैठे थे तो मैं हम लोग सारा काम बड़े भैया से पूछ के करते मैंने उन्होंने मैं बताया कि ऐसे कर ले ऐसे कर ले अच्छे से चल ज्यादा हवाई में मत आ तू अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है तो जब उन्होंने दिखा तो मम्मी बोली अरे मजाक कोई कर रहा हो मजाको तो बोले नहीं मम्मी आ गए तब तो पता आया स्कूटी तो बोले जरा डिग्गी खोली एक तो

तो मैं सिखाता था कोरियोग्राफी करता था तो उसमें मुझे पैसे मिल जाते थे पंद्रह हज़ार ऐसे करके क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लिया बड़ा तो उसमें पंद्रह हज़ार मिल गए दस घर वालों को दे दिए पांच हम दोनों ने खुद बचा लिया नैनीताल घूमने चले गए अच्छा फिर ना हमारे पास और पैसे आए थोड़े से फिर हमने एक मंथ में इतना ज़्यादा खाया कि छा का हल्द्वानी का रुद्रपुर का कोई रेस्टोरेंट नहीं छोड़ा पैंसठ हज़ार रुपये खाते हुए हमने पैंसठ हजार का महीने में फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए भाई इसको ग्लूको वो बोतल वोतल चढ़ी भाई वहां कितने का बिल बैठा दिया वहां तो भाई नॉर्मल हॉस्पिटल में इतने में नहीं था अरे <laughs> तो भाई बारिश हो रही ये फिर इसको बोला की कंटिन्यू तू ना हर दिन सुबह आके एक इंजेक्शन लगवाना होता है बारिश हो रही मुझे फोन करके कह रहा है मैंने कुछ खाया नहीं है मेरे लिए केले सेब लिया मैंने कहा भाई तू मर मेरी वाला से <laughs> तो यार जब आदमी को उस हिसाब से खाना चाहिए ना जिस हिसाब से हचक के खाया भाई तीनों टाइम बाहर का खा रहे भाई बाहर तो तो का तो खाया और इस हिसाब से भी नहीं जैसे मान ले भाई एक चीज आप उठाते हो तो हमें टेबल भरनी थी मतलब सारी आइटम आ रही है और क्यों खानी थी हमें कि ये खुड़क अब हमारे सामने भाई कोई रख देता ना हमसे खाया नहीं जाता अब हमारा है क्या हमें रोटी और अचार दे दो या चटनी दे दो दो पीली वाली दाल दे या भी 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 वाले हम होटल में भी कहीं जाते हैं ना की दाल दे दो तो सबको पता है अभी ऑर्डर आप मेरे किसी भी दोस्त से बोलो हम तीन बैठे हैं मैं आपके सामने हूँ किसी से बोझ लो क्या ऑर्डर आता है हर जगह वही दाल एक मिक्स वेज ले लो रोटी इतना मन भर गया खा खा और ये हमारे भैया लोगों ने रोका भी नहीं बोले पहले ये कर खाओ ये निपटा पहले इसके बाद घूमने का निपटाना तो पहले हमने खाने का निपटाया घूमने का मैं मम्मी पापा को घुमा लूंगा उसके बाद ही निपटाऊ